नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। गणित के 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए हैं। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। उसके पहले जब एनटीपीसी की परीक्षा शुरू हो रही थी, इस पीडीएफ को लॉन्च किया गया था जिसमें मैथ्स के 500 क्वेश्चंस थे और हम इसमें एक हद तक सफल प्राप्त हमने इसमें किया है। तो अगर आप इसको ग्रुप डी के लिए परचेस करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके परचेस कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं। पाइप ए तथा पाइप बी पुल को क्रमशः 5 तथा 10 मिनट में भर सकते हैं। 2 मिनट बाद पाइप बी में ब्लॉक हो जाती है, मतलब पाइप बी ब्लॉक हो जाती है, तो पाइप ए को पुल भरने के लिए कितना समय लगेगा? ठीक है, पाइप ए जो है वो 5 मिनट में भर सकता है, पाइप बी 10 मिनट में भर सकता है। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं 10, तो होने वाला है 2:1 इनकी एफिशिएंसी, 2:1 इनकी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, अब जरा यहां क्या बोल रहा है कि 2 मिनट के बाद पाइप बी में ब्लॉक आ जाता है, पाइप बी में। इसका मतलब 2 मिनट तक तो भाई ये दोनों साथ में चले होंगे, मतलब 3 इनकी टोटल एफिशिएंसी दोनों की, 2 मिनट तक मतलब 6 यूनिट काम खत्म हो गया होगा। कितने में से? 10 में से। लेफ्ट कितना बाकी है? लेफ्ट बाकी कितना रह गया? 4 यूनिट काम बोल रहा है। तो पाइप ए को पुल भरने के लिए कितना समय लगेगा? तो पाइप ए 2 की एफिशिएंसी से भर सकता है, दैट मींस 4/2 मतलब 2 मिनट और लगेंगे। ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 सदस्यों के परिवार का औसत आयु 25 वर्ष है, 6 सदस्यों के परिवार का औसत आयु 25 वर्ष है, जिनमें सबसे छोटा सदस्य 8 वर्ष का की है। तो परिवार की औसत आयु वर्ष में यह छोटे सदस्य जन्म से पहले कितनी थी, मतलब कह रहा है 6 सदस्यों का जो औसत आयु है वो अगर 25 है तो टोटल कितना हो जाएगा? 150 ईयर्स। लेकिन बोल रहा है कि सबसे छोटा जो सदस्य है उस परिवार में वो है 8 वर्ष का। कितने वर्ष का है? 8 वर्ष का। तो बोल रहा है जब वह जन्म से जस्ट पहले कितनी औसत आयु थी परिवार की। अब जरा एक बात बताओ, 6 वर्ष का है तो पैदा कितने साल पहले हुआ है? 6 साल पहले। तो इसका मतलब 6 साल पहले पैदा हुआ है। तो अगर मैं देखूं इसको, अगर मैं माइनस कर दूं किसको, उस बच्चे को अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा अभी मेरे पास? 142। लेकिन ये 142 8 वर्ष पहले नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस 142 से भी जो है 6 सदस्य थे तो अब बचेंगे कितने? 5 सदस्य। तो 5 सदस्य और हैं, 5 सदस्य और है जिनका मुझे माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो 5 और कितने वर्ष पहले की बात हो रही है? 8 वर्ष। तो 5 × 8 = 40, इससे मुझे और 40 घटाना होगा, इसका मतलब 102 वर्ष। ये कब की हो गई? ये जब 5 सदस्य थे, 5 मेंबर्स थे, तो उनकी औसत कितना हो गया? 20.4। अरे हाँ कि ना। चले तो कौन सा ऑप्शन? सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखा जाए। 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं जब उनमें कितना 2500 मीटर का अंतर होता है। प्रथम रेलगाड़ी 15 मीटर प्रति सेकंड के गति से चल रही है और दूसरी 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, कितने समय पश्चात एक दूसरे से मिलेंगी? देखिए जरा, 2 रेलगाड़ी है, ठीक है, और उनमें कितने का अंतर है? सपोज ये एक रेलगाड़ी है, ये एक रेलगाड़ी है, तो इनके बीच में जो लेंथ है वो दिया गया है कितना? 2500। कह रहा है ये वाला जो प्रथम है ये 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से और ये 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से एक दूसरे की तरफ चल रही है। बोल रहा है कितनी देर बाद मिलेगी, मतलब अब क्या पूछ रहा है? टाइम है ना, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 2500, और स्पीड क्या है? एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है तो क्या होगा? स्पीड चाल जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 15 + 10, दैट मींस 2500 / कितना? 25, दैट मींस 100 सेकेंड्स बाद वो लोग एक दूसरे से मिलने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक वस्तु की 10% के घाटे से रुपए इतने में बेचा गया तो वस्तु की लागत मूल्य क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर, थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ी हुई है, देख लो क्वेश्चन, समझ लो, समझ गई होगे कि अगर 945 में बेच रहे हैं तो 10% का घाटा हो रहा है, लागत मूल्य क्या है। ठीक है, दैट मींस गाइस 10% का घाटा मतलब क्या होता है, 10 से 9 हो जाना, और 9 की हमको वैल्यू दी गई है कितनी, 945, दैट मींस 105 से क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, जिसका मतलब उसकी अगर मैं लागत मूल्य निकालूं, सीपी निकाल लूं, तो क्या हो जाएगा, 10 × 105, दैट मींस 1050। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 184 तथा 345 का मासा तथा लासा का फर्क कितना है, मतलब डिफरेंस पूछा गया है किसका, एलसीएम और एचसीएफ का। तो आइए जरा देखते हैं HCF किसका, 345 और 184 का, आइए इस तरीके से निकाल लिया जाए ट्रेडिशनल वे से। तो एक बार गया 184, ठीक है, बचा कितना 161, ओके 161, उसके बाद 184 फिर से एक बार जाएगा तो 161, तो कितना हुआ 3×2 23, फिर 161 से जाएगा तो कितनी बार में गया ये, 7 बार में ये पूरी तरीके से चला गया, मतलब मेरा रिमाइंडर आ गया 0, है ना, इसका मतलब HCF कितना हो गया 23। तो मुझे पता चल गया कि 184 और 345 का जो HCF है वो कितना है, HCF कितना आ गया 23। इसका मतलब 184 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 23 × 8, और 345 को मैं क्या लिख सकता हूं, 23 × 15। ठीक है, अब जरा यहां देखिए, यहां मेरा HCF तो 23 आ गया, अब LCM की बात हो रही है तो मुझे इसके फैक्टर्स पता चल गए दोनों के, तो LCM क्या होगा 23, जो कॉमन है उसको एक बार लिख लो, 23 × 8 × 15। ठीक है, तो 23 × 8 × 15 कितना होता है, ये आपका होता है 2760। दैट मींस जो इनके बीच में डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 2737 का, 2737। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो नल टंकी को क्रमशः 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं, टंकी में छिद्र के कारण तीसरे नल इसे 30 घंटे में खाली कर सकता है, यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। दो नल है ए बी जो 10 और 15 में भर सकते हैं, घंटे में भर सकते हैं, और एक तीसरा टंकी में छिद्र हो गया, तो वो तीसरा वाला पाइप है, वही छिद्र के मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो कितने में, 30 घंटे में खाली कर सकता है। दैट मींस अगर मैं एलसीएम ले लूं 30, तो इनकी जो एफिशिएंसी होगी वो होगी 3, 2 और -1। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो कितना समय लगेगा भरने में, तीनों को अगर मैं खोल दूं तो 3 + 2 हो गए 5 - 1 = 4। ठीक है, टोटल कितना भरना था, कितने एफिशिएंसी के साथ लगने वाला समय, विच ऑप्शन। ठीक है, समझ गए, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समान भुजाओं वाले उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं जिसका कोई कोण समकोण नहीं होता है, तो बताइए क्या बोलते हैं, सम चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि a प्लस बी 12 हो, ए बी 32 हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। आपको ये फॉर्मूला पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, दैट मीन्स ए प्लस बी कितना दिया गया है, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ऑफ 32। सो दैट मीन्स 144 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 64, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच गाइस, 80 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित समीकरण की इकाई संख्या क्या होगी? जरा देखिए, 3 टू द पावर 68 मल्टीप्लाई बाय 4 टू द पावर 73 मल्टीप्लाई बाय 15 टू द पावर 101। तो आपको पता है कि जो भी पावर हो यहां 68 है, उसको किससे? 4 से विभाजित करना है। अगर देखो चला गया पूरी बार में, पूरा चला गया, अगर पूरा चला जाता है मतलब रिमाइंडर अगर 0 आता है तो आपको टू दी पावर क्या रखना है? बेस के 4 ही रखना है। दैट मींस यहां क्या आ गया? 3 टू दी पावर 4। मल्टीप्लाई में देखते हैं अभी क्या है, 4 टू दी पावर 73। तो मैंने क्या बोला, पावर को जो है 4 से विभाजित करना है। देखो 72 बार गया लेकिन एक बच गया ना, तो जो बच गया है उसको बेस के ऊपर लिख दो। तो 4 टू दी पावर 1 क्या होता है आपका? 4 का 4 ही हो जाएगा, 4 टू दी पावर 1 4 का 4 हो जाएगा। और देखो 15 के पावर में, अगर 5 के पावर में कुछ भी हो है ना, तो वो क्या 5 का 5 ही आएगा है ना। तो यहां देख लो, मैं लिख देता हूं 5 टू द पावर, और अगर मैं बात करूं 101 100 तक गया तो टू द पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। सो 3 टू द पावर 4, 3 3 9 9 9 81 1 आ गया, 4 आ गया और यहां 5 आ गया। 5 एक इवन नंबर और एक अगर क्या आ गया 5 आ गया, तो हमेशा इकाई संख्या में क्या होगा? 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन विदाउट स्टॉपेज ट्रेवल विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड विथ स्टॉपेज इट ट्रेवल विथ द एवरेज स्पीड ऑफ 64 किलोमीटर पर आवर। फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप ऑन एन एवरेज पर आवर। समझ गए? मतलब बिना रुके जब एक ट्रेन चली, उसकी एवरेज स्पीड हुई 80 किलोमीटर पर आवर, और रुकने के साथ जब वो ट्रेन चली तो 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हुई, 64 किलोमीटर पर आवर। अब पूछ रहा है फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप ऑन ए एवरेज पर आवर, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन का एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है जरा बता दूं, ट्रिक है डिफरेंस बटे बड़ा वाला मल्टीप्लाई बाय 60। इसको जो है बिल्कुल याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछता है। ये वाला जो क्वेश्चन मैंने उठाया है ये 2018 का सीजीएल का टीयर 1 का क्वेश्चन है। तो देखो क्या डिफरेंस बटे बड़ा वाला, डिफरेंस मतलब 80 और जो है 64, 80 एंड 64 के बीच में डिफरेंस कितना है? 16 का है। कितने का है? 16। और इनमें से बड़ा कौन है? इनमें से बड़ा कौन है? 80 है और मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। तो जरा देखो, शून्य से शून्य गया, 2 से गया ये 3 बार, ये गया 4 बार, 4 जा 16, तो कितना आ गया? 12 मिनट। ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला जो है, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वृत्त का व्यास मतलब डायामीटर कितना होगा जिसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। अब आपको अगर ये वाला रिलेशन पता होगा 7 44 154, तो आप देखते ही साथ 14 लगा देंगे। किस तरीके से भाई? आपको पता है अगर रेडियस हुआ कितना 7, तो उसका जो सर्कमफेरेंस होगा या पेरीमीटर होगा वो होगा 44, तो उसका जो एरिया होगा उसका होगा 144। देखो यहां क्या दिया गया है, 144, तो क्या हो जाएगा? रेडियस भी यहां पर हम अगर कंपेयर करेंगे, रेडियस कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर रेडियस 7 हुआ है तो ब्यास, त्रिज्या 7 हुई है तो ब्यास दुगनी कर दो तो 14 हो गया, ठीक है। इस रिलेशन को बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 160 के 125 प्रतिशत का 20% क्या होगा? 160 के 125 प्रतिशत मतलब क्या होता है? 5/6 क्या होता है? 5/6 का जो है 20%, ठीक है। सो यू कैन राइट 160 इंटू 5/4, और यहां क्या हो गया? 0.01/5, 5 से 5 गया, ये कितना हो गया? 40 हमारा निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर
ए जो है हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मूल्य 1000 के मूल्य को 2 वर्ष तक 5% प्रतिवर्ष के सामान्य ब्याज लगाया गया, ठीक है, और इसका 4 वर्षों तक उसी ब्याज दर जो कि है क्या 5% के से किंतु चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, ठीक है, तो सामान्य ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन क्या बोला समझ गए। तो यहां जरा ध्यान से देखो, तो यहां जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1000 का मूल्य है, 2 वर्ष तक 5% के रेट पर क्या होगा सामान्य ब्याज, जरा बता दो। तो सामान्य ब्याज क्या होगा, तो 2 वर्ष तक 5% हो गया कितना 10, 1000 का 10% 100, ये मेरा आ गया क्या सिंपल इंटरेस्ट। अब इसी पर जो है गाइस 4 वर्षों तक 5% के रेट पर क्या लगाना है, चक्रवृद्धि ब्याज लगाना है। तो ये पूछ रहे क्वेश्चन में ब्याज का अमाउंट बताओ, तो 100 पर कितना 5% का ब्याज 4 वर्षों तक, मतलब 21 बटे 20 और 21 बटे 20, ये हो गया क्या, ये क्या हो गया टोटल अमाउंट हो गया, है ना, 4 वर्षों तक हो गया। और अगर मैं इससे 100 माइनस कर लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, अंडरस्टूड। तो गाइज व्हेन यू विल सॉल्व, है ना, तो इतने का जो है, इतने का वैल्यू आपका आ जाएगा कितना 121.55, और 100 माइनस कर देंगे तो मुझे ब्याज मिल जाएगा कितना 21.55, ठीक। चलें बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में, ओके। कुछ रकम 8% प्रतिवर्ष के ब्याज से 2 सालों में रुपए 1325 तथा 3 सालों में 1389.5 हो जाती है, जब उसे प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज लगाया जाए तो आर का मान क्या होगा, मतलब क्या पूछ रहे हैं, रेट का परसेंटेज कितना है, और ये किसका केस है, चक्रवृद्धि ब्याज का है। हमेशा याद रखना, जब भी 1 साल का गैप हो, कितने साल का, 1 साल का गैप हो, तो इसमें और इसमें जो डिफरेंस आपका निकलेगा कितना 13.25 और 1389.5, क्या करना है, माइनस कर देना है, जो कि कितना निकलेगा 64.5, और ये जो है 64.5 बटे जो छोटा वाला होगा 1325, यही आपका रेट निकल के आ जाएगा। टू कन्वर्ट इन टू परसेंटेज वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100, दैट्स ऑल। तो गाइस यू विल गेट राउंड अबाउट 4.85 के बराबर, विच विल बी इक्वल टू 5%। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, जब भी 1 साल का केस हो, जब भी हमेशा याद रखिएगा 1 साल का केस हो, दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा अमाउंट के बीच में, वो बटे जो इनिशियल वाला होगा वो करेंगे तो आपका रेट निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/1+√2+1/√2+√3 का मूल्य किसके नजदीक होगा, देखो जरा, 1/1+√2+1/√2+√3, ठीक है, सबको अलग अलग ऑपरेट कराते हैं, इसको सबसे पहले ऑपरेट किया जाए, रैशनलाइज किया जाए, तो क्या हो जाएगा 1-√2/1-√2, इसका भी किया जाए रैशनलाइजेशन तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा √2-√3/√2-√3, ओके। तो ऊपर क्या हो जाएगा 1-√2/, ये क्या हो जाएगा a+ba-b, मतलब a²-b² दैट मींस नीचे क्या जाएगा -1। अच्छा यहां पर जरा देखा जाए तो यहां क्या आ जाएगा, यहां पर भी -1 आ जाएगा,
और ऊपर रूट टू माइनस रूट थ्री, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वन माइनस रूट टू प्लस रूट टू माइनस रूट थ्री बटे माइनस वन, रूट टू कैंसिल आउट, तो दैट मीन्स वन माइनस रूट थ्री बटे माइनस वन। अगर मुझे माइनस साइन को प्लस में कन्वर्ट करना है तो इसको मुझे उलट देना पड़ेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, रूट थ्री माइनस वन, और रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है, 1.73, इससे एक घटा लो तो 0.73 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कपड़े का 4/5 टुकड़ा रिबन बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, ठीक है, जिसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है। तो कपड़े की शुरू वाली लंबाई क्या थी, 4/5 यूज कर रहे हैं, इसकी जो लंबाई हो रही है वो 100 है, तो शुरू वाले की 5 है, तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई बाय 25 हुआ है, दैट मींस मुझे यहां पर भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो शुरू वाली 125 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेखाखंड जो -2 और -1 तथा -5 और -3 को जोड़ रहा है, उसका केंद्र बिंदु क्या है, उसका मिड पॉइंट क्या है। देखो इसका मिड पॉइंट पूछना है, दोनों के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं -2 -1 और -5 -3। अब जरा यहां ध्यान से देखना, -2 और -5 के बीच में जो है कितने का, -2 and -5, ओके वेरी गुड, सो -2 -5 के बीच में कितने का डिफरेंस आपको दिख रहा है, कितने का डिफरेंस आपको दिख रहा है, 3 का दिख रहा है ना, कितने का दिख रहा है, 3 का दिख रहा है। अच्छा अब जो है इसको काम करते हैं, फॉर्मूले से करते हैं, ठीक है, एक एक क्वेश्चन और करेंगे जो बिना फॉर्मूले से करेंगे, ठीक। तो जरा यहां देखो क्या होता है, ये केंद्र बिंदु वाला है, सो अगर ये हुआ x2 y2 और x1 y1, ठीक है, हम सबसे पहले फॉर्मूले से कर लेते हैं। सो क्या होगा, x2 और -y1 है ना, तो सॉरी x1 प्लस x2 बटे 2, दैट मींस क्या हो जाएगा, -5 और +-2/2, दैट मींस -7/2 जो है आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो देखो -7/2 वाला कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ एक ही है, एक्स कोऑर्डिनेट से खुश रहो, आगे बढ़ो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 4/9:2x = 2/3:16/81 है तो x = what, ठीक है, जरा आइए, तो 4/9:2x = 2/3:16/81 है, सो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। हमेशा क्या करना है, क्या करना है, देखो जरा क्या करना है, डिवाइडेड बाय इसको x कर देना है, और सेम फैशन में इसको भी डिवाइडेड बाय 16/81 कर देना है, दैट मींस मैं इसको लिख सकता हूं 4/9x = 2/3 और 81 ऊपर जाएगा और नीचे 16 रह जाएगा, दैट मींस ये क्या हो जाएगा, जरा देखो तो ये गया कितनी बार, 8 बार, और ये कितनी बार गया, 27 बार ये चला गया, दैट मींस यहां देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इधर गया, सो 4 × 8/9 × 27, दैट मींस 32/243, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्र कितना होगा, जिसका बेस जो है, तल जो है 5 सेंटीमीटर और संबंधित ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। आपको पता समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, हाइट इंटू बेस, दैट मींस 5 × 6 = 30 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जानकारी की मध्यिका निकालें। सो गाइस मध्यिका निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी में भी एक जमा लो, बीच में आने वाला नंबर आपकी मध्यिका होगी। सो यहां सबसे पहले काउंट कर लू कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7
आठ नौ दस, अगर दस है तो पांचवा और छठवे फिफ्थ एंड सिक्स्थ बटे टू जो होगा वो हमारी क्या होगी, मध्यिका होगी, मध्यिका होगी, है ना, याद रखिएगा। चलो इसका मतलब सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा जाए, सबसे छोटा एक, उसके बाद कौन है, उसके बाद तो चार दिख रहा है, उसके बाद पांच, उसके बाद छह, उसके बाद सात, उसके बाद नौ, एक दो तीन चार पांच छह, दैट मीन्स सेवन प्लस नाइन बटे टू, चौदह पंद्रह सोलह, मतलब आठ हमारा जो है मध्यिका हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक्स यह सबसे बड़ी चार अंकों की संख्या है, ठीक है, जिसे 237 से विभाजित किया जा सकता है, तो x के अंकों का जोड़ क्या होगा। लेट अस टेक, सबसे बड़ी चार अंकों की संख्या क्या है, 9999, इसको मैं पहले विभाजित करता हूं 237 से, पूर्ण रूप से विभाजित होना चाहिए वो नंबर जो सबसे बड़ी चार अंकों की संख्या है, जो विभाजित किससे होगा, 237 से होगा। आइए देखते हैं वो नंबर क्या है, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको इससे माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, है ना। तो आइए देखते हैं, तो ये कितनी बार जाएगा पहले बताओ, ये कितनी बार जाएगा, चार बार, 237, ठीक है, चार बार गया तो कितना हो गया, आठ और ये कितना हुआ, चार और ये नौ, है ना, 498, राइट। अगर ये 498 हुआ तो कितना बचा यहां पर, एक, और यहां बचा कितना, एक, और यहां बचा फाइव, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इस नौ को नीचे उतार देते हैं, ठीक, टू टाइम्स जाएगा सो कितना हो जाएगा, ये 474 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, पांच, और यहां पर कितना हुआ, तीन और एक चार, 45 रिमाइंडर बचा, और यहां तो जीरो हो जाएगा। सो 45 अगर मैं घटा दूंगा किस से, 9999 से, तो वह सबसे बड़ी चार अंकों की संख्या होगी जो पूर्ण रूप से 237 से विभाजित होगा, दैट मींस 9999 माइनस 45, इफ वी डू सो देन कितना हुआ, ये चार, ये पांच, 9954 जो है हमारी वो संख्या होगी। अब यहां के x बराबर इतना हो गया, लेकिन उसका जो है अंकों का जोड़ पूछा है, दैट मींस 9 + 9 + 5 + 4, तो कितना हो गया, ये 27 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदी के तट पर खड़े एक आदमी, खड़ा एक आदमी विपरीत तट पर स्थित पेड़ के शीर्ष को 60 डिग्री उत्तीर्ण कोण पर देखता है। जब वह तट से 40 मीटर पीछे था तो उत्तीर्ण कोण 30 डिग्री का था। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए, देखिए यहां पेड़ है, यहां पेड़ है, वो यहां खड़ा था पहले जो कि दूसरे तट पर खड़ा था, तो बनने वाला जो एंगल था वो कितना था गाइस, वो था 60 डिग्री, लेकिन वो 40 मीटर पीछे चला गया। वह 40 मीटर जब वो पीछे चला जाता है तो बनने वाला जो एंगल है वो कितना रह जाता है, वो 30 डिग्री रह जाता है। इसकी हाइट पूछ रहे, किसकी, पेड़ की जो हाइट है वो पूछी जा रही है, ठीक है, बन गया डायग्राम। देखो अगर यहां 60 होता है तो आपको पता है ये क्या होगा, ये √3 होगा और ये 1 होगा, लेकिन जब ये 30 वाला लूंगा बड़ा वाला तो ये जो सेक्शन होगा ये √3 होगा और ये 1 होगा। अगर 1 को मैं कंपेयर कर रहा हूं √3, अगर एक है √3 है तो √3 क्या होगा, √3 × √3 होगा, है ना, सो मतलब 3 होगा। अगर मैं 3 से 1 को घटा दूं तो मिलने वाला सेक्शन ये है, दैट मींस 2 40 के बराबर होगा। अगर 2 40 के बराबर है तो एक किसके बराबर होगा, 20 मीटर के बराबर होगा। अगर 20 मीटर के बराबर है, हाइट कितना निकाला मैंने, √3, तो इसका मतलब हाइट कितना होगा, 20√3, अरे हाँ की ना, और 20√3 कितना होता है, 1.7, ठीक है, सो 20 × 1, अरे समझ में आ रहा है ना, सो 1.7 3, ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू गाइज हाउ मच,
34.64, ऑप्शन नंबर जो है डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1386 वर्ग सेंटीमीटर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वाले एक गोले का व्यास क्या है? ठीक है, तो जरा देखो कर्व सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया जो है गोले का स्फीयर का क्या होता है, 4πr² जो किसके बराबर है, 1386 के बराबर है। दैट मींस वी कैन राइट 4 × 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1386। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई, वी हैव टू डू इट ट्वाइस, तो उसका क्या निकल जाएगा, व्यास का डायमीटर निकल जाएगा। अरे हाँ की ना जरा बता दो, तो आर की आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 110.25। तो यहां जरा ध्यान से देखो, इस 25 का क्या हो गया 5 और यहां क्या हो गया, क्या हो गया ये पॉइंट हो गया, डॉट हो गया, और उसके बाद इसको दो कंसेक्यूटिव में तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे, 10 × 11 छोटे वाले को ले लेना है 10, तो रेडियस आ गया 10.5, तो डायमीटर कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर आ गया। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मूले से नहीं करेंगे, बिना फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, देखिए बिंदु -47 और 2 और 3 से जुड़ने वाले परिच्छेद के मध्य बिंदु, वही क्वेश्चन है, मध्य बिंदु के निर्देशांक बताइए। देखो ये और ये -4 और 7 और 2 और 3 मध्य बिंदु पता करना है। इसका मतलब देखो -4 और 2 के बीच में डिफरेंस देखो, -4 से पहले 0 गया तो 4 और 2 गया तो 2 और मतलब 6, मतलब 6। इसका मतलब जो है मतलब डिवाइड बाय 2 करूंगा तो कितना होगा 3, मतलब मुझे -4 से 3 इस तरफ बढ़ना है, इसका मतलब कितना हो जाएगा -1। इसका मतलब उसके कोऑर्डिनेट स्टार्ट किससे होंगे, -1 से। देखो एक ही ऑप्शन है -1, है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए वाई का भी निकाल लिया जाए। देखो 7 है और 3 है, कितना है 7 और 3 है, देखो डिफरेंस देखो तो कितना हुआ, कितना का हुआ, 4 का डिफरेंस हुआ। ठीक है, वन सेकेंड, कितने का डिफरेंस हुआ, 4 का डिफरेंस हुआ, 7 और 3 है, तो 4 का अगर डिफरेंस हुआ दैट मींस 4/2 मतलब 2, मतलब या तो 7 से 2 घटा दो या 3 से 2 बढ़ा दो, दैट मींस 3 से 2 बढ़ाएंगे तो 5, 7 से 2 घटाएंगे तो 5, तो -1 और 5 ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, ए माइनस बी अगर 5 है, ए इंटू बी अगर क्या है 14 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ज्ञात करिए। देखो ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी, दैट मीन्स ए माइनस बी कितना है 5, 5 × 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 14, 14 × 28 इधर गया प्लस हो जाएगा, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा, यू विल गेट हाउ मच गाइज, 53। ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये थे आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। आई होप चीजें आज सही गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कोई भी इशू कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा, और जो है इसका PDF आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन आप कर सकते हैं। ठीक है गाइज, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।